मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में नवीनीकरण में अनियमितताओं के मामले में पहली बार बड़ी और आधिकारिक कार्रवाई की गई है। इस मामले में कार्यकारी अभियंता विनय चौधरी और सहायक अभियंता रजत कांत को निलंबित कर दिया गया है। दोनों अभी दिल्ली सरकार में तैनात है। वहीं इस मामले में 5 अन्य अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए एलजी ने केंद्र सरकार से सिफारिश की है। इसके लिए सतर्कता निदेशालय ने केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD को पत्र लिखकर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। यह सभी सीएम के सिविल लाइंस स्थित फ्लैग स्टाफ रोड पर आधिकारिक आवास के नवीनीकरण में शामिल थे। इस मामले में यह पहली कार्रवाई है। इससे पहले एक साल पहले सीएम आवास में अनियमितता मामले में सभी 7 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसमें आवास के नवीनीकरण पर सवाल उठाया गया था, जिसमें सतर्कता विभाग ने खर्च और काम शुरू करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में हैं। उनका परिवार इसी आधिकारिक आवास में रहता है। इसके अंदर ही सीएम का कैंप कार्यालय भी शामिल है। कार्रवाई आगे बढ़ती है तो केजरीवाल की पत्नी को आवास खाली करने का नौबत भी आ सकती है। बता दें कि पिछले साल सतर्कता निदेशालय ने आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर लगभग 53 करोड़ रुपए के बेकार खर्च का आरोप लगाते हुए अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उनसे मामले में विभाग द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के आधार पर उनकी ओर से विभिन्न स्तर पर चूक के आरोपों का जवाब देने के लिए कहा गया था। एलजी ने जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की उनमें 2 सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनमें तत्कालीन प्रधान मुख्य अभियंता AK आहूजा और तत्कालीन कार्यकारी अभियंता केंद्रीय और नया डिवीजन के शिवनाथ धारा है। इन दोनों के खिलाफ बड़े जुर्माने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की गई। इनके अलावा अन्य 3 अधिकारी तत्कालीन मुख्य अभियंता पूर्व मंडल PK परमार, प्रधान मुख्य अभियंता अशोक कुमार राजदेव और अधीक्षक अभियंता अभिषेक राज है। यह तीनों अधिकारी इस समय दिल्ली से बाहर तैनात है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में नवीनीकरण में अनियमितताओं को लेकर चल रही जांच में नया मोड़ आ गया है। इस परियोजना में उस समय शामिल हो रहे लोक निर्माण विभाग के प्रधान मुख्य अभियंता AK आहूजा ने दिल्ली सरकार को भेजे अपने लिखित जवाब में कहा कि इस मामले में वह नहीं बल्कि उस समय के विभाग प्रमुख रहे शक्तिकांत ने आदेश दिए थे। इस मामले में यह पहली बार है कि विभाग प्रमुख रहे किसी अधिकारी का नाम सामने आया है। फिलहाल सरकार का सतर्कता निदेशालय मामले की जांच कर रहा है। उधर शशिकांत ने कहा है कि यह मामला कभी उन तक नहीं आया। अगर कोई यह कहता है कि उन्होंने कोई आदेश दिया है तो वे पेपर सामने लेकर आए। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस बयान पर आपत्ति जताई है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर अभय मुद्रा को गुरु नानक देव की विचारधारा से जोड़ा था। लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने आज कांग्रेस के चुनाव चिन्ह को अभय मुद्रा बताते हुए इसे सभी धर्मों से जोड़ा है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक की तस्वीर भी आप देखेंगे तो वो उनका हाथ अभय मुद्रा में होता है। राहुल गांधी के इस बयान पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कड़ी निंदा की है। राहुल गांधी ने संसद में भी यही बातें कही थी जिसे उन्होंने गुजरात में फिर दोहराया है। SGPC ने स्पष्ट कहा है कि पवित्र गुरबानी और गुरुओं की शिक्षाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सिख संस्था ने एक प्रस्ताव भी पारित किया जिसमें कहा गया है कि गुरुओं ने मूल सिद्धांतों और पवित्र गुरबानी के सही अर्थ की कभी कभी राजनीति हस्तियों द्वारा गलत व्याख्यान की गई, जिससे सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची। सिख संस्था ने कहा, राहुल गांधी ने गुरु नानक की तस्वीर को अभय मुद्रा से जोड़ा जो एकदम गलत है। पारित किए गए प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि गुरु नानक देव जी ने ऐसी किसी भी मुद्रा या आसन को मान्यता नहीं दी है। इसमें कहा गया है कि गुरु नानक देव जी ने ऐसी किसी भी चीज से अलग अकाल पुरख से जोड़ने की शिक्षा दी है। साथ ही SGPG ने लोकसभा एवं राज्यसभा के स्पीकर से निवेदन किया है कि किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाई जाने वाली बातें संसद में नहीं जानी चाहिए। राहुल गांधी जो सिख धर्म से भी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह जोड़ रहे हैं उन्हें इस बयान से झटका लगना तय है। राहुल गांधी ने संसद में भगवान शिव की भी तस्वीर दिखाई थी
और दावा किया था कि वो अपनी त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं और अभय मुद्रा में अपना हाथ आगे रखते हैं। साथ ही उन्होंने इस्लाम में दुआ पढ़े जाने को भी इससे जोड़ा था। राहुल गांधी ने यीशु मसीह और गुरु नानक की भी तस्वीर लगाई थी। मुस्लिम विद्वान पहले ही उन्हें लताड़ लगाते हुए कह चुके हैं कि इस्लाम का अभय मुद्रा से कोई लेना देना नहीं है। अब यही बातें करके कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात में भाजपा को हराने की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी संसद से लेकर सभाओं तक भाजपा को घेरने में लगे हुए हैं। आज शनिवार को उन्होंने गुजरात का दौरा किया। गुजरात में उन्होंने भाजपा पर फिर बड़ा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को उसी तरह हराएंगे जैसे हालिया लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हराया गया। राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। मामला रेलवे के लोको पायलटों की समस्या से जुड़ा है। आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी ने जिन लोगों से बात की वो लोको पायलट नहीं थे। बीजेपी ने दावा किया कि वो प्रोफेशनल एक्टर्स थे। इसके अलावा राहुल के साथ गए 8 कैमरामैन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार को लगातार सियासी कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। सुबह उत्तर प्रदेश के हाथरस जाकर सिंद्राराव भगदड़ में हताहत लोगों के परिजनों से मिले। उन्होंने अलीगढ़ में भगदड़ पीड़ित परिवारों का हालचाल लिया। इसके बाद दिल्ली लौटते ही उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलटों से मुलाकात की। यह मुलाकात विवादों, सवालों और सियासी आरोपों से घिर गई, जिसकी असलियत अब सामने आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और कथित तौर पर करीब 50 लोको पायलट से मुलाकात कर उनकी परेशानियों को जाना था। लेकिन राहुल के रेलवे स्टेशन के दौरे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने दावा किया कि राहुल गांधी ने जिन लोको पायलटों से मुलाकात की वे कहीं और से लाए गए थे और वे भारतीय रेलवे लॉबी से नहीं थे। रेलवे के मुताबिक राहुल गांधी 8 कैमरामैन के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। ऐसा लग रहा था कि वे स्टेशन पर फिल्म या रील बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य PRO दीपक कुमार ने कहा कि रेलवे द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें राहुल अपने साथ कुछ कैमरामैन लेकर आए थे और रील बनाते हुए देखे गए। वहीं एक स्टाफ का कहना है कि वह राहुल गांधी के निरीक्षण को फिल्म की शूटिंग समझकर देखने वहां पहुंचा था। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी की खिल्ली भी उड़ रही है। मिस्टर सिन्हा ने एक्स पर लिखा, राजधानी ट्रेन के ड्राइवर का चौंकाने वाला दावा। उसने कहा कि जब उसे पता चला कि राहुल गांधी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है तो वह उनसे मिलने गया, लेकिन पाया कि जिन लोको पायलटों से वह बात कर रहा था उनमें से कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं था। वह किसी को पहचान नहीं सका क्योंकि वह बाहरी लोग थे, धोखेबाज परिवार। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ऐसा लगता है कि तीसरी बार असफल हुए राहुल गांधी। दोपहर में लोको पायलटों से मिलने गए, उनके साथ 8 कैमरामैन और एक डायरेक्टर भी थे। आप उनकी गिनती कर सकते हैं। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि वे रियल लोको पायलटों से नहीं मिले। पूरी संभावना है कि वे पेशेवर अभिनेता थे जिन्हें उनकी टीम ने बुलाया था। कांग्रेस ने राहुल गांधी के स्टेशन दौरे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नई दिल्ली में लोको पायलट से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। लोको पायलट्स के कंधों पर रेलवे सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होती है। उनकी समस्याओं को दूर कर ही हम सुरक्षित रेलवे के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। बता दें कि राहुल ने शुक्रवार को अपनी इस मुलाकात को लेकर कहा था, नई दिल्ली में देश भर से आए 50 लोको पायलटों से मुलाकात की। प्रतिदिन हजारों ट्रेन यात्रियों की जिम्मेदारी होती है इनके कंधों पर, मगर देश के यातायात की यह रीढ़ सरकार की उपेक्षा और अन्याय का शिकार है। बिना उचित आराम और सम्मान के काम करने पर विवश है। उनकी समस्याएं सुनकर उनकी आवाज बुलंद करने का आश्वासन दिया गया, पहले भी किया है और न्याय मिलने तक करता रहूंगा। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। करीब 2 साल पहले अपने एक बयान के बाद राजनीतिक पटल से लगभग गायब हुई नुपुर शर्मा ने आखिर अपनी चुप्पी तोड़ी है। गाजियाबाद के रामप्रस्थ ग्रीन कैंपस में आयोजित एक भागवत कथा के दौरान पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। नुपुर ने आरोप लगाया कि इस देश में सनातनियों को खत्म करने की एक साजिश हुई, जिसे उन्होंने महसूस किया है।
लोकसभा में हिंदू मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर विवाद छिड़ गया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश में हिंसा, नफरत और डर फैलाने का आरोप लगाया, जिस पर केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है। इसी बीच भाजपा नेता नूपुर शर्मा ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो धर्म का विनाश करता है, धर्म उसका विनाश कर देता है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना नूपुर ने कहा कि जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग यह कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, या जब कुछ अन्य लोग कहते हैं कि सनातनियों का सफाया कर दो, तो उस साजिश को समझना चाहिए। नूपुर शर्मा ने कहा कि अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी को इतनी सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। उन्होंने कहा कि वो कुछ भी कहे तो वाह वाह, और अगर मैं कुछ कहूं तो सिर तन से जुदा, ऐसा नहीं चलेगा। हमारा देश अपने संविधान से चलेगा, न कि किसी मजहबी या शरिया कानून के हिसाब से चलेगा। इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नूपुर शर्मा ने एक पोस्ट पर कहा था, हिंसक हिंदू नहीं बल्कि वो है जो हिंदुओं के नरसंहार की बात करते हैं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षित तस्मो धर्मो नहन्तव्यो मानो धर्मो हतो बधित्य। अर्थात जो स्वधर्म हिंदू विमुख होकर धर्म का विनाश कर देता है, उसका विनाश धर्म कर देता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। नूपुर शर्मा ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। शर्मा के इस पोस्ट पर उनके समर्थकों ने जमकर राहुल गांधी के खिलाफ भड़ास निकाली है। साल 2022 में एक टीवी न्यूज चैनल पर बहस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपमानजनक की टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भड़क गए थे। हालांकि इस टिप्पणी के बाद नूपुर शर्मा ने कहा था कि वायरल वीडियो एडिटेड है, जिसे एक फैक्ट चेकर ने शेयर किया है। इस वीडियो के शेयर होने के बाद से उन्हें इस्लामिक कट्टरपंथियों से धमकियां मिली थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। ये लोग हिंदू नहीं हैं, क्योंकि 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, यह ठेका भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का आरोप है कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया है, जबकि कांग्रेस और विपक्ष की ओर से सफाई दी जा रही है कि उनका आरोप भाजपा पर था। खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में आपत्ति जाहिर की थी। ऐसे में क्या कहना है आपका कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और रागिनी नायक को निर्देश दिया था कि पत्रकार रजत शर्मा के खिलाफ पोस्ट किए गए अपमानजनक ट्वीट को हटा ले, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ताओं ने पोस्ट को नहीं हटाया। वैकेशन बेंच ने यह भी कहा था कि कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में जरूरत से ज्यादा सनसनी मचाई। अब इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने शुक्रवार को फिर से दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर आरोप लगाया कि एक्स पूर्व में ट्विटर से कांग्रेस नेता रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने उनके खिलाफ पोस्ट किए गए अपमानजनक ट्वीट को हटाने के निर्देश देने वाले आदेश का उल्लंघन किया। कोर्ट ने शर्मा द्वारा मानहानि के मुकदमे में दायर आवेदन पर नोटिस जारी किया और एक्स और कांग्रेस नेताओं से जवाब मांगा है। कांग्रेस नेताओं द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद मानहानि का मुकदमा दायर किया गया कि रजत शर्मा ने चुनाव परिणाम वाले दिन 100 के दौरान ऑन एयर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। 14 जून को कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के साथ साथ एक्स को निर्देशित किया था कि सातों दिनों के भीतर सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाने का आदेश दिया था। शर्मा की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि तीनों कांग्रेस नेताओं ने उन्हें लिखे गए संदेशों के बावजूद अभी तक आदेशों का पालन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एक्स ने भी आदेश का पालन नहीं किया और खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की, लेकिन कोई स्थगन नहीं दिया गया और उस आदेश का पालन करने के लिए और उसे आदेश का पालन करने के लिए कहा गया। एक्स की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने 3 जुलाई की देर शाम तक आदेश का पालन किया। हालांकि रजत शर्मा के वकील ने कहा कि अनुपालन आंशिक है और भारत के भीतर पोस्ट को देखने पर रोक लगा दी गई, लेकिन भारत के बाहर देखा जा सकता है।
रजत शर्मा के वकील ने कहा, वह शीर्ष पत्रकार है, उनके 11.2 मिलियन फॉलोअर्स है। अगर आदेश केवल भारत में प्रतिबंधित है तो मेरी प्रतिष्ठा क्या रह गई है, यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है। उन्होंने आगे कहा कि एक्स द्वारा आदेश का आंशिक अनुपालन स्वामी रामदेव बनाम फेसबुक INC में समन्वय पीठ के फैसले के विपरीत है, जिसमें यह माना गया कि जब तक अपलोडिंग भारत से होती है या सूचना डेटा भारत में कंप्यूटर संसाधन पर स्थित है, तब तक भारतीय न्यायालयों को वैश्विक निषेधाज्ञा पारित करने का अधिकार होगा। नायर ने प्रस्तुत किया कि चूंकि मामले के तथ्यों में कांग्रेस नेताओं द्वारा भारत के भीतर IP पते के साथ आपत्तिजनक ट्वीट अपलोड किए गए, इसलिए उन्हें वैश्विक आधार पर अक्षम किया जाना चाहिए। आवेदन में नोटिस जारी करते हुए अदालत ने एक्स और कांग्रेस नेताओं को अपने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया और यदि कोई हो तो प्रतिवाद दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। पिछले महीने एकल न्यायाधीश ने शर्मा के अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन को अनुमति दी थी। यह विवाद तब पैदा हुआ था जब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने शर्मा पर 2024 के लोकसभा चुनावों की मतगणना के दिन राष्ट्रीय टेलीविजन पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। कहते हैं जब गांधी जी मेहरबान तो गधा पहलवान। गांधी जी रिजर्व बैंक वालों की माया है, जिससे केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने के लिए देश भर के 150 वकील सक्रिय हो गए हैं। इन लोगों ने CBI को पत्र लिखकर मांग की है कि सर जी को छोड़ दिया जाए। भारत की जनता खुशनसीब है कि उनका अदालतों पर भरोसा बरकरार है। ऐसे बहुत सारे प्रेशर अदालतों ने झेले हैं, पर न्याय का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। हमें हमारी अदालतों पर पूरा भरोसा है। CM अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामले में निचली अदालत उन्हें जमानत दे चुकी है। हालांकि हाईकोर्ट ने जमानत पर अंतरिम स्टे लगा दिया था, जिस पर सुनवाई होना बाकी है। दिल्ली के करीब 150 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में केजरीवाल मामले में हाईकोर्ट के रवैये पर सवाल उठाए गए। वकीलों का कहना है कि जज ED और CBI मामलों में जमानत पर अंतिम रूप से निपटारा नहीं कर रहे हैं और लंबी तारीखें दे रहे हैं। यह पत्र 150 से अधिक वकीलों द्वारा लिखा गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि दिल्ली हाईकोर्ट और जिला अदालतों में प्रैक्टिस करने वाले विभिन्न वकील अपनी चिंताओं और शिकायतों के साथ उनके पास पहुंचे हैं। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश अपलोड होने से पहले ही ED के उल्लेख पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगाने पर सवाल उठाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केजरीवाल को शराब नीति में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर 26 जून को गिरफ्तार किया गया था। वे फिलहाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है। केजरीवाल ने अपनी जमानत के लिए याचिका 3 जुलाई को लगाई थी। उनके वकील रजत भारद्वाज ने हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदिला से जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। रजत भारद्वाज ने कहा था कि केजरीवाल को बिना सही न्यायिक प्रक्रिया का पालन किए हिरासत में ले लिया गया था। उन्होंने कहा था कि 4 जुलाई को ही इस पर सुनवाई होनी चाहिए। इस पर जस्टिस मनमोहन ने कहा था कि संबंधित जज को दस्तावेज पढ़ने का समय मिलना चाहिए। हम इस पर 2 दिन बाद यानी 5 जुलाई को सुनवाई करेंगे। वकीलों द्वारा लिखी गई चिट्ठी में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट के जज जस्टिस सुधीर जैन को केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ED की अर्जी पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जस्टिस सुधीर जैन भाई अनुराग जैन ED के वकील है। पत्र में कहा गया है कि कई अधिवक्ताओं ने शिकायत की है कि न्यायाधीश न्याय बिंदु द्वारा अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत आदेश पारित किए जाने के तुरंत बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के जिला न्यायाधीश द्वारा एक आंतरिक प्रशासनिक आदेश जारी किया गया था, जिसमें सभी अवकाश अदालतों को निर्देश दिया गया था कि वे कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगे। कोई भी मामला हो, वे केवल नोटिस जारी करेंगे। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।